फिल्म इज़ प्योरली फिक्शिशियस एंड रिसेम्बलेंस ऑफ दिस फिल्म टू एनी कैरेक्टर प्लेस नेम इज सिंपली अ कोइंसिडेंस नथिंग मोर देन डैट दिस फिल्म इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज इफ द सीन्स इन द फिल्म ऑफ आर और ऑफेंसिव और सम or have some issues, then please contact to director or producer. तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रसोगो। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर हैं। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस ट्रकर, एलिसा हैसन, एलिजाबेथ पेना हैं। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की आईएमडी रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टमेटो पर 87% प्रेस बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। दस ओवर 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रेटन रेडनर ने किया है और इसे जिम पॉप और रॉस नामा ने नामा की एक कहानी से लिखा है जिसमें जैकी चैन और क्रिस टकर बेनल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं जिन्होंने एक चीनी राजनीतिक की अपघटक बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। तेजी माँ, टॉम विल्सन, कैन लेंग, मार्क रोस्टन, एलिजाबेथ मैना और रेक्स लिन सारे भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में $244 मिलियन से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रसोगो 2001 और 2007 में रस ओवर 3 भी रिलीज हुई थी। उनके डायरेक्टर ब्रेट रेडनर, स्क्रीन प्ले जिम कॉफ हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस लामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम, जॉनाथ क्लिनिक और अरेथर एम सरकृष्णा हैं। इस मूवी में मेल लीड कैरेक्टर जैकी चैन, चार्लिस क्रूगर, तेजिमा, टॉम विल्सन, कैन ल्यू, एलिजाबेथ पेना, मार्क रोस्टन और रेक्स लीना हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने की है। इस मूवी को एडिट मार्क अल्फरिस ने किया और इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लाओ सैफ्रिन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर फेयरफॉर्म प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश, मैंडरिन एंड कनाडाइज भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $35 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $244 मिलियन की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग में ब्रिटिश शासन की अंतिम दिन से शुरू होती है जहाँ रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुतुआंग को गिरफ्तार करने की भूमि में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा छुड़ाए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आनला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस टकर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग
कंपनी में धोखा दिया जाता है जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है जहां हान और एफबीआई इंग्रेडी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है जहाँ एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक का पता लगाते हैं जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जाटवो के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला जिसने वह कार्टर का विश्वास प्रकट करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू यूंग को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को विकांतियों के सिंडिकेट से बचाता है लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है हालांकि कार्टर ने हार मानने के इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने की मदद करने के लिए राजी किया गया। ग्रिफिन बाद में मामले में खुद को शामिल करता है जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। इस स्टार्टिंग 1987 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू हुई जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैंग के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटाओं के गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। हान ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद खान द्वारा उसकी बेटी सू यूंग का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस्टोफर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में वेब स्टिंग ली में धोखा दिया जाता है जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है जहां हान और एफबीआई इंग्रेडी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है जहाँ एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक का पता लगाते हैं जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया। ली ने क्लाइव पर जाटवो के
साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू युंग को वैन में ले जाते हुए जुटाऊ का एक अपनी यूनानी वीडियो देखता है, ली आता है और कार्टर को दुकानियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि FBI ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ SKPF के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए खान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर खान और फिलिपिन की देखरेख में $77 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। कार्टर FBI को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संग से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जानटो को है, जब अब कार्टर को चाइनाटाउन निगरानी केस से पहुंचाता है। ग्रिफिन सीयू से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में ली और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सूयुंग का पता लगाता है और उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है, जिससे उसे बनियान और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सूयुंग से बनियान मिलती है, जबकि ग्रिफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है। ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर एक गोलाबारी के सांग को गोली मार देता है। ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त विवाद है जो दोनों छत से छूने के समाप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़े हुए आपसी पट्टिया पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली ले जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सुंग फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हांगकांग भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विटनी ने उन्हें FBI के एक पद के पेशकश किया, उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविन स्टाव का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। एक आर्टी की बात करें, कास्टिंग की बात करें, तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, चेरिस टकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन ग्रिफ का, ताजमान ने सोन खान का, जेंगलूंग ने सान का, एलिजाबेथ पैना ने डिटेक्टिव तानिया जॉनसन का, मार्क लॉस्टर ने स्पेशल एजेंट वनिया रॉस का, रेक्स लीना ने FBI एजेंट डॉन विस्टन का, चेरिस पैन ने किली गॉड का, एम्फली बैकर ने कैप्टन विल डेल का रोल प्ले किया है, वही जॉन हॉक्स ने स्टिकी का, कैल्फियर फॉल ने लुकी का, एंड बेरी सबा का हेलनी ने बॉडी का रोल प्ले किया है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड कैसे आप सब? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रसोवा। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर है। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस टकर, एलिसा हेसल, एलिजाबेथ पैना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टमेटो पर 86
7% प्लस बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। प्लस और 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म इसका निर्देशन ब्रेटन रेटन ने किया है। मॉल चेंजिंग कॉफ और रॉस नामा ने मामा की एक कहानी से लिखा है जिसमें जैकिन चान और क्रिस टकर वेनल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं जिन्होंने एक चीनी राजनीतिक की अपहटक बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। तेजी माँ टॉम विल्सन एन लेंग मार्क रोस्टन एलिजाबेथ मैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में 244 मिलियन डॉलर से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रसावर 2 2001 और 2003 2007 में रसावर 3 भी रिलीज हुई थी। उसके डायरेक्टर ब्रिट राटना स्क्रीन प्ले जिम कॉफ हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस लामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम जॉनाथ क्लिनिक और अरेथर एम सरकृष्णा हैं। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर जैकी चैन चेरिस ट्रूका तेजिमा टॉम विल्सन कैन ल्यू एलिजाबेथ पैना मार्क रोस्टन और रेक्स लीना है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने किया। इस मूवी को एडिट मार्क अल्फरिस्ट ने किया और इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लाओ सैफ्रिन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर बिरफॉर्म प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा ने किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश मैंडरिन एंड कनाडा भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 33 मिलियन डॉलर का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 244 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हांगकॉन्ग ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू थे जहाँ रॉयल हांगकॉन्ग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुतुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल 7 जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल गोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। हान ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सू यू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस टकर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है जिसमें 50 मिलियन डॉलर की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगा है जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटवो के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला जिसने वह कार्टर का विश्वास कथित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और
सू योंग को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपने यूनानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को आतंकियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में तुर को शामिल करता है। लुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अधिक के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। इट स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू थे, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैसे चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुतुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमियों को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिल्ली वॉइस्टर चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। हान ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सान द्वारा उसकी बेटी सू यू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस्टोफर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में वेब स्टिंग ली में धोखा दिया जाता है, जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ल वॉर्नरस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साख के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक में से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगा जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया। ली ने क्लाइव पर जांटों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू योंग को वैन में ले जाते हुए जुटाऊ का एक अपनी यूनानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को आतंकियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अधिक के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर हान और ग्रिफिन की देखरेख में $77 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं।
कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संग से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन डेनोटर को है, जब अब कार्टर को चाइनाटाउन निगरानी जेल से पहुंचाता है। ग्रिफिन सुयोंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में ली और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सुयोंग का पता लगाता है और उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है, जिससे उसे बनियान और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सुयोंग से बनियान मिलती है, जबकि ग्रिफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है। ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर एक गोलाबारी के सांग को गोली मार देता है। ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त विवाद है जो दोनों छत से छूने के समाप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़े हुए उसकी पट्टियां पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली गिर जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सुंग फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हॉन्गकॉन्ग भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विटनी ने उन्हें एफबीआई के एक पद के पेशकश दी, उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविन स्टाव का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। इसके कार्टर की बात करें, कास्टिंग की बात करें, तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, चैरिस टकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन ग्रिफ का, ताजमान ने सोन खान का, कैलरूंग ने सांग का, एलिजाबेथ पैना ने डिटेक्टिव तानिया जॉनसन का, मार्क लॉस्टर ने स्पेशल एजेंट वनिया रॉस का, रेक्स लीना ने एफबीआई एजेंट डॉन विस्टन का, चैरिस पैन ने क्लीवी गॉड का, एम्फली बैकर्ड ने कैप्टन विल डेल का रोल प्ले किया है, वही जॉन हॉसन ने स्टिकी का, एल्जियर पॉल ने लिकी का एंड बेरी सबा का हेलमिनियम बॉडी का रोल प्ले किया है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रसोवा। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर है। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस टकर, एलिसा हैसन, एलिजाबेथ पैना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टमेटो पर 87% क्रैश बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। बस हो 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म, इसका निर्देशन ब्रेटन रेडन ने किया है और इसे जिम कॉफ और रॉस नामा ने नामा की एक कहानी से लिखा है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टकर वेनर पुलिस अधिकारी के रूप में, जिन्होंने एक चीनी राजनीतिज्ञ की अपघटन बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। तेजी माँ, टॉम विल्सन, कैन लेंग, मार्क रोस्टन, एलिजाबेथ पैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में 244 मिलियन डॉलर से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रसोवा 2 2001 और 2007 में रसोवा 3 भी रिलीज हुई थी। उनके डायरेक्टर ब्रेट रेडनर, स्क्रीन प्ले जिम कॉफ हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस लामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम, जॉनाथ क्लिनिक और अरेथर एम सरकृष्णा हैं। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर जैकी चैन, चैरिस ट्रूगा, तेजिमा, टॉम विल्सन, कैन ल्यू, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोस्टन और रेक्स लीना है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने की है। इस मूवी को एडिट मार्क
रिच ने की है और इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लव सैफरिन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर फेयरफॉर्म प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश मैंडरिन एंड कनाडाइज भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $33 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $244 मिलियन की कमाई करी। गाइस एक और बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज स्टार्टिंग 1987 के हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिनों, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैंग के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वॉरिस्टर चीनी कॉन्सल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई गीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आन ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस ट्रबल को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में वेब स्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास से दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साख के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक में से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक का पता लगाते हैं जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांडवो के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास कथित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सुयू को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को आंधियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने के इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में टोल को शामिल करता है, जो लुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए आन को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। स्टार्टिंग 1987 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू थी, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैंग के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य
वाइसरॉय चीनी कॉन्सर्व सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। खान ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद खान द्वारा उसकी बेटी सुयुंग का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतरराष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है, उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस टकर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ल वॉर्न रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साक के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को क्लासिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया। ली ने क्लाइव पर जांटों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सुयुंग को वैन में ले जाते हुए जुटाऊ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को दुकानियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहाँ उन्हें हांगकांग के जासूस और मिठाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अधिक के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए खान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर खान और ग्रिफिन की देखरेख में $77 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संग से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जानटो को है, जब अब कार्टर को चाइनाटाउन गिरफ्तार निगरानी टेप से पहुंचाता है। ग्रिफिन सुयुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में ली और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सुयुंग का पता लगाता है और उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है, जिससे उसे बनियान और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सुयुंग से बनियान मिलती है, जबकि ग्रिफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है। ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर एक गोलाबारी के टांग को गोली मार देता है। ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त विवाद है, जो दोनों छत से छूने के समाप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़े हुए उसकी पट्टिया पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली ले जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। खान और सुंग
फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हुक्म भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विटनी ने उन्हें FBI के एक पद के पेशकश किया, उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविन स्टार का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। ये कार्टर की बात करें, कास्टिंग की बात करें तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, चेरिस टकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन फिलिप का, ताजिया मान ने स्वान खान का, जैन जूंग ने सान का, एलिजाबेथ मैना ने डिटेक्टिव तानिया जॉनसन का, मायर ग्लॉस्टर ने स्पेशल एजेंट वानिया रॉस का, रेक्स लीना ने FBI एजेंट डॉन विस्टन का, चेरिस पैन ने किंग रिकॉर्ड का, फिलिप बैकर्ड ने कैप्टन विल डेल का रोल प्ले किया है। वही जॉन हॉफ्सन ने स्टिकी का, कैल्फियर फॉर्म ने लुकी का, एंड बेरी सबाका हेलनी ने बॉडी का रोल प्ले किया है। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो नोट सब, कैसे हैं आप? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रसोवा। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर हैं। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस टकर, जुलिसा हैसन, एलिजाबेथ मैना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टमेटो पर 87% प्रेस बताया गया है। मूवी को आप Amazon और Netflix पे भी देख सकते हैं। प्लस और 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसका निर्देशन ब्रेटन रेडनर ने किया है और इसे जिम कॉफ और रॉस नामा ने नामा की एक कहानी से लिखा है। इसमें जैकी चैन और क्रिस टकर वेनल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, जिन्होंने एक चीनी राजनीतिज्ञ की अपहरण बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। तेजी मा, टॉम विल्सन, कैन लेंग, मार्क रोस्टन, एलिजाबेथ मैना और रेक्स लीन सहायक भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में 244 मिलियन डॉलर से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस और व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रसोवा 2 2001 और 2007 में रसोवा 3 भी रिलीज हुई थी। उनके डायरेक्टर ब्रेट रेडनर, स्क्रीन प्ले जिम कॉफ हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस लामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम, जगन्नाथ क्लिनिक और अरेथर एम सरकृष्णा हैं। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर जैकी चैन, चेरिस ब्रुकर, तेजिमा, टॉम विल्सन, कैन ल्यू, एलिजाबेथ मैना, मार्क रोस्टन और रेक्स लीना है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने की है। मूवी को एडिट मार्क हेल्परिस ने किया और इस मूवी की म्यूजिक डायरेक्टर लाव सैफ्रिन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर बिरफॉर्म प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश, मैंडरिन एंड कनाडाई भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 35 मिलियन डॉलर का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 244 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गाइस एक बार यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम बिंदु से उठे, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डी यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुतुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति घटाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वॉलिस्टर चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आनला के
अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयुंग का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए जी को बुलाता है, लेकिन एफबीआई जी की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है, उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस रबर को एक स्त्री ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई इंग्रेडी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक में से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जाटुओं के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सुयुंग को वैन में ले जाते हुए जो टाउन का एक अपनी घृणानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को विकांतियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। हांगकांग में ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन तक शुरू थे, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैंग के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटाओं के गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल 7 जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है, जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। हान ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयुंग का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है, उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस रबर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है।
एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगा, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक में से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया। ली ने क्लाइव पर जाटुओं के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसमें वह कार्टर का विश्वास कथित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू योंग को वैन में ले जाते हुए जुटाऊ का एक अपने यूनानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को निकांतियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने की मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर हान और ग्रिफिन की देखरेख में $77 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जानटुओं को है, जब अब कार्टर को चाइनाटाउन निगरानी केंद्र से पहुंचाता है। ग्रिफिन सुयोंग से जुड़ी एक बम बनिया को विस्फोट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में ली और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सुयोंग का पता लगाता है और उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है, जिससे उसे बनिया और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सू यूंग से बनियान मिलती है, जबकि ग्रिफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है। ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर एक गोलाबारी के सांग को गोली मार देता है। ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त विवाद है जो दोनों छत से झूलने के समाप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़े हुए उसकी पट्टिया पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली गिर जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सुंग फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हांगकांग भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विटनी ने उन्हें एफबीआई के एक पद के पेशकश की, उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविन ताओ का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। फिर कार्टर की बात करें, कास्टिंग की बात करें तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, चेरिस टकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन ग्रिफ का, ताजिया मान ने सलोन खान का, कैन रूंग ने सान का, एलिजाबेथ मैना ने डिटेक्टिव तानिया जॉनसन का, मार्क लॉस्टर ने स्पेशल एजेंट वनिया रॉस का, रेक्स लीना ने एफबीआई एजेंट डॉन विस्टन का, चैरिस मैन ने ग्रीवी गॉड का, एम्फ्री बैकर ने कैप्टन विल डेल का रोल प्ले किया है, वहीं जॉन हाउसन ने स्टिकी का, कैल्फियर पॉल ने लुकी का एंड बैरी सबाका हेलनी ने बॉडी का रोल प्ले किया है। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सएप, कैसे हैं आप सब।
तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रसोवा। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर है। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस रॉक, एलिसा हेस, एलिजाबेथ पेना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की आईएमडी रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टमेटो पर 87% प्रेस बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। बस हो 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म। इसका निर्देशन ब्रेटन रेडन ने किया है और इसे जिम कॉप और रॉस नामा ने नामा की एक कहानी से लिखा है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टकर बेनल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, जिन्होंने एक चीनी राजनीतिज्ञ की अपघटन बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। तेजी मा, टॉम विल्सन, कैन लेंग, मार्क रोस्टन, एलिजाबेथ पेना और रेक्स ग्रीन सहायक भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में 244 मिलियन डॉलर से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रसोवा 2 2001 और 2007 में रसोवा 3 भी रिलीज हुई थी। उनके डायरेक्टर ब्रेट रेडनर, स्क्रीन प्ले जिम कॉप हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस लामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम, जॉगनाथ क्लिनिक और अरेथर एम सरकृष्णा हैं। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर जैकी चैन, चार्लिस ब्रोका, तैजिमा, टॉम विल्सन, कैन ल्यू, एलिजाबेथ पेना, मार्क रोस्टन और रेक्स लीना है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने की है। इस मूवी को एडिट मार्क अल्फरिस ने किया और इस मूवी की म्यूजिक डायरेक्टर लाव सैफ्रिन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर फेयरफॉर्म प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा ने किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश, मैंडरिन एंड कनाडाइज भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 35 मिलियन डॉलर का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 244 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू होते हैं, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुतुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल 7 जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है, जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। हान ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद खान द्वारा उसकी बेटी सुयुंग का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है, उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस टकर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में वेबस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए प्रश्न स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ल वॉर्न रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साग के साथ बातचीत करता है, जिसमें 50 मिलियन डॉलर की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक में से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं।
कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू यूंग को वैन में ले जाते हुए जुटाऊ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को दुकानदारों के सिंडिकेट से बचाता है लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और मिठाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है जो दायों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। इट स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू थे जहाँ रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैंग के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटुआंग के गिरफ्तार करने की उम्मीद ने घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया जिससे वह अपने लिए वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आन ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सान द्वारा उसकी बेटी सू यू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस टकर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में वेबस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है जहां एजेंटों की एक टीम को क्लासिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू यूंग को वैन में ले जाते हुए जुटाऊ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को दुकानदारों के सिंडिकेट से बचाता है लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और मिठाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है
जो दायों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर हान और ग्रिफिन की देखरेख में $77 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जानटो को है जब अब कार्टर को चाइनाटाउन निगरानी केस से पहुंचाता है। ग्रिफिन से जुड़ी एक बॉम्ब बनिया को कोर्ट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सुयुंग का पता लगाता है और उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है जिससे उसे बनियान और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सुयुंग से बनियान मिलती है जबकि ग्रिफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है। ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है जबकि कार्टर एक गोलाबारी के टांग को गोली मार देता है। ली का ग्रिफिन के साथ एक संसिप विवाद है जो दोनों छत से छूने के समाप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़े हुए हब्स की पट्टिया पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली गिर जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े डंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सुन फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हॉन्गकॉन्ग भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विटनी ने उन्हें FBI के एक पद के पेशकश थी, उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविन स्टाउ का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। एक आर्टी की बात करें, कास्टिंग की बात करें तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, जेरी स्टॉकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन ग्रिफ का, ताजिया मान ने सलोन खान का, ने शान का, एलिजाबेथ पैना ने डिटेक्टिव तानिया जॉनसन का, मार्क लॉस्टर ने स्पेशल एजेंट वानिया रॉस का, रेक्स लीना ने एफबीआई एजेंट डॉन विस्टन का, चैरिस पैन ने क्रिमी गॉड का, एंथनी बैकर्ड ने कैप्टन विल डेल का रोल प्ले किया है, वहीं जॉन हॉसन ने स्टीकी का, कैल्जियर पॉल ने लुकी का एंड बैरी सबाका हेलनी ने बॉडी का रोल प्ले किया है। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रसोवा। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर है। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस ट्रकर, एलिसा हेसल, एलिजाबेथ पेना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टोमेटो पर 87% प्रेस बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। प्लस और 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म, इसका निर्देशन ब्रेटन रेडनर ने किया है और इसे जिम बॉब और रॉस नामा ने नामा की एक कहानी से लिखा है। इसमें जैकी चैन और क्रिस टकर वेनल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं जिन्होंने एक चीनी राजनीतिज्ञ की अपघटन बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। तेजी माँ, टॉम विल्सन, कैन लेंग, मार्क रोस्टन, एलिजाबेथ पेना और रेक्स लिन सहायक भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में $244 मिलियन से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रसोवा 2 2001 और 2003 2007 में रसोवा 3 भी रिलीज हुई थी।
के डायरेक्टर ब्रिट राटना, स्क्रीन प्ले जिम कॉफ हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस लामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम, जॉनाथ क्लिनिक और अरेथर एम सरकृष्णा हैं। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर जैकी चैन, चेरिस ब्रोका, फैजिमा, टॉम विलिक्सन, कैन ल्यू, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोस्टन और रेक्स लीना हैं। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने की है। इस मूवी को एडिट मार्क अल्फरिच ने किया है और इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लाओ सैफ्रिन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर पेरफॉर्म प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा ने किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश, मैंडरिन एंड कनाडिस भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $35 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $244 मिलियन की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग में ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू थी, जहाँ रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुतुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल 7 जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आनला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सान द्वारा उसकी बेटी सुई का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की सलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है से एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस टकर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिक डी में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए डी को दूतावास से दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ड वॉरेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में स्लार्क के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगा जहाँ एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक उसका पता लगाते हैं जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया। ली ने क्लाइव पर जांटवो के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सुयुंग को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपने यूनानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को आतंकियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने की मदद करने के लिए राजी किया गया। ग्रिफिन बाद में में खुद को शामिल करता है। जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। इस स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग में
ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू थी, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डी यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कॉन्सल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस विफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। हान ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सान द्वारा उसकी बेटी सू यू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतरराष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस रबर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बताता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्टर के सहयोगी एलपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगा जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटवो के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसमें वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू यूंग को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपनी घिनौनी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को विकांतियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने के इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अधिक के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर हान और ग्रिफिन की देखरेख में $77 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जानटो को है, जब अब कार्टर को चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहुंचाता है। ग्रिफिन सुयुम से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में ली और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सुयुम का पता लगाता है और उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है, जिससे उसे बनियान और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सू यूंग से बनियान मिलती है, जबकि ग्रिफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है।
ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर एक गोलाबारी के सांग को गोली मार देता है। ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त विवाद है जो दोनों छत से छूने के समाप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़े हुए हब्स की पट्टिया पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली गिर जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सुन फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हुक्म भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विटनी ने उन्हें FBI के एक पद के पेशकश किए, उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविन स्टार का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। फिर कार्टर की बात करें, कास्टिंग की बात करें तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, चैरिस टॉकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन ग्रिफ का, ताजा मान ने स्वान खान का, जैन जूंग ने सान का, एलिजाबेथ पैना ने डिटेक्टिव तानिया जॉसन का, मार्क लॉस्टर ने स्पेशल एजेंट वनिया रॉस का, रेक्स लीना ने FBI एजेंट डॉन विस्टन का, चैरिस पैन ने किली गॉड का, एम्फली बैकर्ड ने कैप्टन विल डेल का रोल प्ले किया है, वही जॉन हॉफ्सन ने स्टिकी का, कैल्फियर पॉल ने लुकी का, एंड बैरी सबाका हेलनी ने बॉडी का रोल प्ले किया है। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रसोवा। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर है। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस टकर, मेलिसा हैसन, एलिजाबेथ पैना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टमेटो पर 87% प्रेस बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। रस हो 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रेटन रेटन ने किया है और इसे जिम कॉफ और रॉस नामा ने नामा की एक कहानी से लिखा है। इसमें जैकी चैन और क्रिस टकर वेनल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं जिन्होंने एक चीनी राजनीतिज्ञ की अपहरण बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। तेजी माँ, टॉम विक्सन, कैन लेंग, मार्क रोस्टन, एलिजाबेथ पैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में $244 मिलियन से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रसोवा 2 2001 और 2007 में रसोवा 3 भी रिलीज हुई थी। उनके डायरेक्टर ब्रेट रेडनर, स्क्रीन प्ले जिम कॉफ हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस कामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम, जगन्नाथ क्लिनिक और अरेथर एम सरकृष्णा हैं। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर जैकी चैन, चैरिस टकर, तेजिमा, टॉम विल्सन, कैन ल्यू, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोस्टन और रेक्स लीना है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने की है। इस मूवी को एडिट मार्क अल्फरिच ने किया और इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर लाओ सैफ्रिन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर बेरफॉर्म प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश, मैंडरिन एंड कनाडाइज भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $35 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $244 मिलियन की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू थे, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी युतुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी
मुद्रा केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया जिससे वह अपने दिगर वरिष्ठ चीनी कॉन्सल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस विपिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रदान करता है। आन ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलबीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस रॉबर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वार्नर रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक में से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटवो के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला जिसने वह कार्टर का विश्वास स्थापित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सुयू को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को निकांतियों के सिंडिकेट से बचाता है लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है हालांकि कार्टर ने हार मानने के इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है लुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हांग को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू थे जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैंग के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटाओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कॉन्सल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस विफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आन ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलबीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस रॉबर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास
के दूर रखते हुए कसने स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट इंचार्ज वार्नर रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साक के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई पॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जाटुओं के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सुयोंग को वैन में ले जाते हुए जुटाउन का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को विकांतियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अधिक के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर हान और ग्रीपी की देखरेख में $77 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रीपी को संघ से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रीपी जानटो को है, जब अब कार्टर को चाइनाटाउन निगरानी केंद्र से पहुंचाता है। ग्रीफिन सुयोंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में ली और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सुयोंग का पता लगाता है और उसे ग्रीफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है, जिससे उसे बनियान और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सुयोंग से बनियान मिलती है, जबकि ग्रीफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है। ली बनियान लेता है और ग्रीफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर एक गोलाबारी के टांग को गोली मार देता है। ली का ग्रीफिन के साथ एक संक्षिप्त विवाद है, जो दोनों छत से छूने के समाप्त होता है। ग्रीफिन बनियान को पकड़े हुए अब उसकी पट्टिया पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली ले जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े डंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सुंग फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हांगकांग भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विटनी ने उन्हें एफबीआई के एक पद के पेशकश उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविन टाओ का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। एक आगे की बात करें, रास्ते की बात करें तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, चेरिस टकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन ग्रिफ का, ताजमान ने स्लोन हान का, जेनरूंग ने सान का, एलिजाबेथ पैना ने डिटेक्टिव तानिया जॉनसन का, मार्क लॉस्टर ने स्पेशल एजेंट वनिया रॉस का, रेक्स लीना ने एफबीआई एजेंट डॉन विस्टन का, चेरिस पैन ने किली गॉड का, एम्पली बैकर ने कैप्टन फिल डेल का रोल प्ले किया है, वही जॉन हॉफ्सन ने स्टिकी का, कैल्फियर फॉर्म ने लुकी का एंड बैरी सबाका हेलनी ने बॉडी का रोल प्ले किया है।
गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड व्हाट्सअप से, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रश आवर। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर है। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस टकर, एलिसा हेस, एलिजाबेथ पेना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टोमेटो पर 87% बेस्ट बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। रश आवर 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है। इसका निर्देशन ब्रेटन रेडन ने किया है और इसे जिम कॉब और रॉस नामा ने नामा की एक कहानी से लिखा है। इसमें जैकी चैन और क्रिस टकर बेनल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, जिन्होंने एक चीनी राजनीतिज्ञ की अपघटक बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। टेजी मा, टॉम विल्सन, कैन लेंग, मार्क रोस्टन, एलिजाबेथ पेना और रेक्स लिन सहायक भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में $244 मिलियन से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रश आवर 2 2001 और 2007 में रश आवर 3 भी रिलीज हुई थी। उनके डायरेक्टर ब्रेट रेडनर, स्क्रीन प्ले जिम कॉब हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस कामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम, जॉनाथ क्लिनिक और अरेथर एम सरकृष्णा हैं। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर जैकी चैन, चार्लिस ट्रूकर, पैजिमा, टॉम विल्सन, कैन ल्यू, एलिजाबेथ पेना, मार्क रोस्टन और रेक्स लीना है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने की है। इस मूवी को एडिट मार्क अल्फरिस ने किया और इस मूवी की म्यूजिक डायरेक्टर लाओ सैफ्रिन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर फेयरफॉर्म प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश, मैंडरिन एंड कनाडाइज भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट $33 मिलियन का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर $244 मिलियन की कमाई करी। गाइस एक बार यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग 1997 में हांगकांग में ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू थे, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटुआंग को गिरफ्तार करने की भूमि घाट पर छापेमारी की। वह केवल 7 जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कॉन्सल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आन ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयुंग का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस टकर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज
वार्नर रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। FBI कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग डी और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी LAPD बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक उसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटवो के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू योंग को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को विपांतियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि FBI ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जुटाइयों के सिंडिकेट के साथ SKPF के अधिक के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हांग को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू, जहाँ रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली यानी जैकी चैंग के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटाओं के गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल 7 जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है, जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। हान ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सान द्वारा उसकी बेटी सू यून का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन FBI ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे LAPD पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस्टोफर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है, जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और FBI अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वार्नर रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। FBI कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को क्लासिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी LAPD बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटवो के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू योंग को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को विपांतियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि FBI
ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा। वह जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और ब्रिटानियों के साथ रोकने की मदद करने के लिए राजी किया गया। ग्रिफिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जोतायों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर हान और ग्रिफिन की देखरेख में 77 मिलियन डॉलर की फिरौती दी जाती है और कार्टर, ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। कार्टर FBI को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जानटुओं को है, जब अब कार्टर को चाइनाटाउन निगरानी जेल से पहुंचाता है। ग्रिफिन सुयुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में ली और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सुयुंग का पता लगाता है और उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है, जिससे उसे बनियान और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सुयुंग से बनियान मिलती है, जबकि ग्रिफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है। ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर एक गोलाबारी के शाम को गोली मार देता है। ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त विवाद है जो दोनों छत से छूने के समाप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़े हुए अब उसकी पट्टिया पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली ले जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सुंग फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हांगकांग भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विटनी ने उन्हें FBI के एक पद के पेशकश थे, उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविन स्टाव का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। एक आर्टिस्ट की बात करें, कास्टिंग की बात करें, तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, जेरी स्टॉकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन ग्रिफ का, ताजिया मान ने सवोन खान का, कैन लुंग ने सान का, एलिजाबेथ पैना ने डिटेक्टिव तानिया जॉनसन का, मार्क लॉस्टर ने स्पेशल एजेंट वनिया रॉस का, रेक्स लीना ने FBI एजेंट डॉन विस्टन का, चैरिस पैन ने किल्वी गॉड का, एम्फी बैकर ने कैप्टन विल डेल का रोल प्ले किया है, वही जॉन हाउस ने स्टीली का, कैल्जर फॉर्म ने लुकी का, एंड बैरी सबा का हेलनी ने बॉडी का रोल प्ले किया है। गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड कैसे हैं आप? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रसोवा। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर है। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस टकर, मेलिसा हैसन, एलिजाबेथ पैना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टमेटो पर 87% क्रैश बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। बस हो 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रेटन रेडन ने किया है और इसे जिम कॉप और रॉस नामा ने नामा की एक कहानी से लिखा है। इसमें जैकी चैन और क्रिस टकर बेनल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, जिन्होंने एक चीनी राजनीतिज्ञ की अपघटन बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। तेजी माँ
टॉम विल्सन, कैन लेंग, मार्क रोस्टन, एलिजाबेथ मैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में 244 मिलियन डॉलर से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रसावर 2 2001 और 2007 में रसावर 3 भी रिलीज हुई थी। मूवी के डायरेक्टर ब्रिट राटना, स्क्रीन प्ले जिम कॉफ हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस लामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम, जगन्नाथ क्लिनिक और अरेथर एम सरकृष्णा हैं। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर जैकी चैन, चेरिस ब्रुकर, तैजिमा, टॉम विल्सन, कैन ल्यू, एलिजाबेथ मैना, मार्क रोस्टन और रेक्स लीना है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने की है। इस मूवी को एडिट मार्क अल्फरिस ने की है और इस मूवी की म्यूजिक डायरेक्टर लाव सैफ्रिन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर बिरफोम प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश, मैंडरिन एंड कनाडाई भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 33 मिलियन डॉलर का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 244 मिलियन डॉलर की कमाई करी। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टार्टिंग 1987 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन का शुरू है, जहाँ रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बी यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुतुआंग के गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आन ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस टकर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में वेब स्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास से दूर रखते हुए प्रश्न स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ज वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साग के साथ बातचीत करता है, जिसमें 50 मिलियन डॉलर की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक में से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जाटुओं के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सुयोंग को वैन में ले जाते हुए जुटाऊ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को दुकानियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की।
जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और ईसाइयों के साथ रोकने की मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जो दायों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन शुरू थे, जहाँ रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डी यानी जैकी चैन के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटुआंग के गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने लिए वाइस्टर चीनी कॉन्सर्ट सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आन ला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सान द्वारा उसकी बेटी सुयू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की सलिप्ता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस रबर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में वेब स्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास से दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ल वॉर्नरस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगा, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले थे। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सुयोंग को वैन में ले जाते हुए जुटाऊ का एक अपने यूनानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को दुकानियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने की मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है। जो दायों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अतीत के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर हान और ग्रिफिन की देखरेख में $77 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जानटुओं को है, जब अब कार्टर को चाइनाटाउन निगरानी केस से पहुंचाता है। ग्रिफिन सुयोंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, जो
जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में ली और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सुयुंग का पता लगाता है और उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है, जिससे उसे बनियान और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सुयुंग से बनियान मिलती है, जबकि ग्रिफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है। ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर एक गोलाबारी के सांग को गोली मार देता है। ली का ग्रिफिन के साथ एक संसिप विवाद है जो दोनों छत से छूने के समाप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़े हुए कब्ज की पट्टिया पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली गिर जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े डंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सुन फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हॉन्गकॉन्ग भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विटनी ने उन्हें FBI के एक पद के पेशकश की, उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविड स्टाव का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। फिर कार्टर की बात करें, कास्टिंग की बात करें तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, चेरिस टकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन ग्रिफ का, ताजिया मान ने सोन खान का, कैलरूंग ने सान का, एलिजाबेथ पैना ने डिटेक्टिव तानिया जॉनसन का, मार्क लॉस्टर ने स्पेशल एजेंट वनिया रॉस का, रेक्स लीना ने FBI एजेंट डॉन विस्टन का, चेरिस पैन ने किल रिकॉर्ड का, एनफ्ली बैकर ने कैप्टन विल डेल का रोल प्ले किया है। वही जॉन हॉसन ने स्टीली का, कैल्फियर पॉल ने लुकी का, बेरी सबाका हेलनी ने बॉडी का रोल प्ले किया है। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो एंड कैसे आप सब। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रश आवर। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर है। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस ट्रॉफर, मेलिसा हेसी, एलिजाबेथ पैना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टमेटो पर 87% प्रेस बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। प्लस हो 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन ब्रेटन रेडन ने किया है और इसे जिम कॉफ और रॉस नामा ने नामा की एक कहानी से लिखा है, जिसमें जैकी चैन और क्रिस टकर वेनल पुलिस अधिकारी के रूप में हैं, जिन्होंने एक चीनी राजनीतिज्ञ की अपघटन बेटी को बचाने के लिए सौंपा गया है। तेजी माँ टॉम विक्सन, कैन लेंग, मार्क रोस्टन, एलिजाबेथ मैना और रेक्स लिन सहायक भूमिका में नजर आते हैं। 18 सितंबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म को दुनिया भर में 244 मिलियन डॉलर से अधिक कमाई की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक सफलता के कारण सीक्वल बने रश आवर 2 2001 और 2007 में रश आवर 3 भी रिलीज हुई थी। उनके डायरेक्टर ब्रेट रेडनर, स्क्रीन प्ले जिम कॉफ हैं तथा इस मूवी के स्टोरी राइटर रॉस लामाना हैं। इस मूवी के प्रोड्यूसर रॉजर बिनहम, जॉनाथ क्लिनिक और अरेथर एम करकृष्णा हैं। इस मूवी में मेन लीड कैरेक्टर जैकी चैन, चेरिस क्रोकर, तेजिमा, टॉम विल्सन, कैन ल्यू, एलिजाबेथ पैना, मार्क रोस्टन और रेक्स लीना है। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी एडम ग्रीनबर्ग ने की है। मूवी को एडिट मार्क अल्फरिच ने किया है और इस मूवी की म्यूजिक डायरेक्टर लाओ सैफविन है। इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी रॉजर बेरफॉर्म प्रोडक्शन और इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट न्यू लाइन सिनेमा ने किया है। इस मूवी को मुख्य तौर पर इंग्लिश, मैंडरिन एंड कनाडाइज भाषा में 18 सितंबर 1998 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज किया गया। इस मूवी का टोटल बजट 35 मिलियन डॉलर का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 244 मिलियन डॉलर की कमाई करी। ऐसे ही और यदि आप हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट स्टार्टिंग 1987 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू होते हैं, जहाँ रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डी यानी जैकी चैंग के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आनला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है उसे एलबीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस टकर को एक स्टी ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में बेबिस्टिंग ली में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई अपनी बेटी के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट की चार्ल वॉरन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साथ के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगा, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग डी और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्नेट कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटवों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सुयुंग को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को आतंकियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने के इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। ग्रिफिन बाद में में खुद को शामिल करता है, जो दायों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अधिक के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। इट स्टार्टिंग 1987 में हांगकांग के ब्रिटिश शासन के अंतिम दिन से शुरू होती है, जहां रॉयल हांगकांग पुलिस बल के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर डी यानी जैकी चैंग के अज्ञात यानी गुमनाम अपराधी जुटुआंग को गिरफ्तार करने की उम्मीद में घाट पर छापेमारी की। वह केवल सात जंतुओं के दाहिने हाथ वाले आदमी को पाता है जो एक नाव में भाग जाता है। ली ने जंतुओं द्वारा चुराए गए कई चीनी संस्कृति खजाने को पुनः प्राप्त किया, जिससे वह अपने दिव्य वरिष्ठ चीनी कौंसल सोलन खान और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई जीत उपहार के रूप में प्रस्तुत करता है। आनला के अपना नया राजनीतिक पद ग्रहण करने के कुछ समय बाद सांग द्वारा उसकी बेटी सुयू का अपहरण कर लिया जाता है। वह मामले में सहायता के लिए ली को बुलाता है, लेकिन एफबीआई ली की संलिप्तता के डर से एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का कारण बन सकता है।
से एलपीडी पर बंद कर देता है। जासूस जेम्स कार्टर यानी क्रिस्टोफर को एक स्टिंग ऑपरेशन को विफल करने के लिए सजा के रूप में वेब स्टिंग नी में धोखा दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है, कार्टर अपहरण करने के बारे में मुसाफिरों से संपर्क करते हुए ली को दूतावास के दूर रखते हुए प्रश्नीय स्थलों की यात्रा कर लेता है। ली चीनी वाणिज्य दूतावास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जहां हान और एफबीआई इन्वेस्टिगेशन के बारे में खबर का इंतजार करता है। स्पेशल एजेंट इंचार्ज वॉरेन रस के साथ बहस करते हुए कार्टर अनजाने में साख के साथ बातचीत करता है, जिसमें $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था की जाती है। एफबीआई कॉल का पता एक गोदाम में लगाती है, जहां एजेंटों की एक टीम को प्लास्टिक विस्फोटक से मार दिया जाता है। स्पॉटिंग सॉन्ग ली और कार्टर पीछा करते हैं, लेकिन वह डेनोटर को गिरते हुए बच निकलते हैं। कार्टर के सहयोगी एलएपीडी बम विशेषज्ञ तानिया जॉनसन क्लाइव को एक इसका पता लगाते हैं, जो पहले कार्टर द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ली ने क्लाइव पर जांटवो के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करने के लिए दबाव डाला, जिसने वह कार्टर का विश्वास अर्जित करते हुए चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में मिले। कार्टर अकेले रेस्टोरेंट में जाता है और सू युंग को वैन में ले जाते हुए जुटाओ का एक अपनी निगरानी वीडियो देखता है। ली आता है और कार्टर को दुकानियों के सिंडिकेट से बचाता है, लेकिन उन्हें मामले में हटा दिया जाता है क्योंकि एफबीआई ने उन्हें फिरौती के लिए दोषी ठहराया। ली को वापस हांगकांग भेज दिया जाता है। हालांकि कार्टर ने हार मानने से इनकार करा और जॉनसन से ली के विमान में सफर होने में मदद के लिए अपील की, जहां उन्हें हांगकांग के जासूस और लुटाइयों के साथ रोकने के मदद करने के लिए राजी किया गया। फिलिपिन बाद में इस मामले में खुद को शामिल करता है, जो दायों के सिंडिकेट के साथ एसकेपीएफ के अधिक के बारे में और अधिक खुलासा करता है और आगे रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती का भुगतान करने के लिए भी कहता है। लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में एक चीनी कला प्रदर्शनी के उद्घाटन पर हान और ग्रिफिन की देखरेख में $77 मिलियन की फिरौती दी जाती है और कार्टर ली और जॉनसन मेहमानों के रूप में प्रचंड रूप से प्रवेश करते हैं। कार्टर एफबीआई को नाराज करते हुए मेहमानों को सुरक्षा के लिए खाली करने का आदेश देता है, लेकिन ली ने ग्रिफिन को संघ से डेनोटर के एक रिमोट स्वीकार करते हुए पकड़ लिया। ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन जांटवो को है, जब अब कार्टर को चाइनाटाउन निगरानी टेप से पहुंचाता है। ग्रिफिन सुयुंग से जुड़ी एक बम बनियान को विस्फोट की धमकी देता है और मांग करता है कि फिरौती का पूरा भुगतान किया जाए, जो कि अमूल्य चीनी कलाकृतियों के मुआवजे के रूप में ली और उन्हें छापे में बरामद किया। कार्टर बाहर चुके वैन में सुयुंग का पता लगाता है और उसे ग्रिफिन की सीमा के भीतर इमारत में ले जाता है, जिससे उसे बनियान और बंद कर रोका जाता है। जॉनसन को सू युंग से बनियान मिलती है, जबकि ग्रिफिन पैसों के बैग के साथ छत पर जाता है। ली बनियान लेता है और ग्रिफिन का पीछा करता है, जबकि कार्टर एक गोलाबारी के टांग को गोली मार देता है। ली का ग्रिफिन के साथ एक संक्षिप्त विवाद है, जो दोनों छत से छूने के समाप्त होता है। ग्रिफिन बनियान को पकड़े हुए उसकी पट्टिया पटके पर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब ली गिर जाता है तो कार्टर उसे एक बड़े झंडे के साथ पकड़ लेता है। हान और सुंग फिर से मिल जाते हैं और हान एक इनाम के रूप में कार्टर और ली की छुट्टी पर हांगकांग भेजता है। कार्टर के जाने से पहले एजेंट रस और विडनी ने उन्हें एफबीआई के एक पद के पेशकश दी, उन्होंने मजाक में मना कर दिया। कार्टर ली के साथ विमान में सवार होता है तो गुस्से में एडविन स्टार का वॉर ऑफ का गाना शुरू हो जाता है और इसी के साथ मूवी का डी एंड हो जाता है। एक आटे की बात करें, रास्ते की बात करें, तो जैकी चैन ने डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ली का, जेरी स्टॉकर ने जेम्स कार्टर का, टॉम विल्सन ने थॉमसन ग्रिफ का, ताजा मान ने स्लोन खान का,
जैंगयोंग ने सांग का, एलिजाबेथ पैना ने डिटेक्टिव तानिया जोसन का, मारा क्लोस्टर ने स्पेशल एजेंट वनिया रॉस का, रेक्स लीना ने एफबीआई एजेंट डॉन विस्टन का, चैरिस पैन ने किल्वी गॉड का, एंड फिलिप बैकर्ड ने कैप्टन फिल डेल का रोल प्ले किया। वही जॉन हाउसर ने स्पीकी का, कैल्फियर पॉल ने लुकी का, एंड बेरी सबाका हेलनी ने बॉडी का रोल प्ले किया है। गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट वीडियो को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है रसावर। यह मूवी 18 सितंबर 1998 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। इस मूवी के निर्देशक ब्रेट रेडनर है। इस मूवी के मुख्य कलाकार जैकी चैन, क्रिस ट्रफर, जुलिसा हैसल, एलिजाबेथ पैना है। इस मूवी को 92% गूगल यूजर द्वारा पसंद किया गया है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 10/7 है। वहीं इस मूवी की रोटेन टमेटो पर 87% प्लस बताया गया है। मूवी को आप अमेजोन और नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। प्लस और 1998 की अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन ब्रेटन रेडन ने किया है और इसे जिम कॉफ और रॉस नामा ने कामा की एक कहानी से लिखा है जिसमें जैकी चैन और क्रिस टकर